अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज आपके लिए एक ज़रूरी खबर लाया हूँ, खुसूसन उन मुस्तहिक लोगों के लिए जिनकी नज़रें सखी लोगों की तलाश में है। जो लोग आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो आएगा और उन लोगों के बोझ को कम करेगा, इससे पहले कि वो लोग बोझ के तले दबकर मर जाएं या हमारी कौम के नौजवान दर बदर भटकते हुए गुमराही की गलियों में कहीं खोकर अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर किसी गलत रास्ते पर पड़ जाए। और वो लोग जो ठेकेदार बनकर राज कर रहे हैं, कहीं इनकी जिंदगियों में बिजली बनकर ना गिर पड़े और उनकी जिंदगियों को निस्तो नाबूद न कर डाले, ये मुमकिन है। जी हाँ नाजरीन, जब मक्कारियों का घड़ा भरता है तो झलकने में देर नहीं लगती, इससे पहले कि गैरों के सामने अपनी कौम का जनाजा उठे। अपने ख्यालात को दुरुस्त कर लो और हक जिसका बनता है इसका हक अदा करो। मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और आरटीए एक्टिविस्ट हैं मैसूर शहर के, इनका कहना है कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ अवकाफ से एक सर्कुलर रिलीज किया गया जिसमें जो भी इनकम होगी यानि वक्फ बोर्ड के रिलेटेड, इसमें से 30% उन लोगों का हक है जो लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी ज़रूरत बच्चों की पढ़ाई के लिए और हेल्थ केयर के लिए होती है। ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड के जरिए से मदद मिलनी है। मजीद जानकारी के लिए आज हम मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ से इस मामले में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब मैं वजीर रहा, औकाफी इमलाक से 30% आवाम की है ना, जो मिल्लत के बच्चों के तालीम और है ना दवाई के लिए खर्च करने के लिए हमने है ना पूरे इदारों को है ना सर्कुलर्स भेजे थे, वो आज तक है ना वो कहीं है ना जर अमल में नहीं आया। सर, आज की प्रेस मीट किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक साल लेवल करीब में वक्फ बोर्ड मैसूर वक्फ बोर्ड को लेकर बोले आता क्या है, हर यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वास्ते एक बेंगलोर बोर्ड ऑफ औकाफ से एक सर्कुलर आकर रहा था। वो सर्कुलर में हर एक कमेटी के सोर्स ऑफ इनकम में, ईयरली सोर्स ऑफ इनकम में 30% गौर गरीब के लिए, गौर गरीब के एजुकेशन के लिए और हेल्थ इश्यूज के लिए देना है करके बोल को एक सर्कुलर आकर रहा था। एक साल वाली बोले रहता हूँ और मैं सबसे गुजारिश भी कर रहता हूँ कि गौर गरीब को एलानात करा को, मस्जिदों में घोड़ा डाल को, ये सब क्या क्या करना करो, गौर गरीब को मोहताज बनाना को करके मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है इस महीने में अब एडमिशन्स का दौर चल रहा है, न्यूली एडमिशन्स को मैं चाह रहा हूँ वापस जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वक्त इंस्टीट्यूशंस मैसूर सिटी में, मैं ख़ास ख़ास मैसूर सिटी वालों को लेकर बता रहा हूँ, जितने भी हैं मेरे ख्याल से 280 को 6 कमिटीज़ हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 280 को 6 कमिटीज़ हैं। मैं बहुत अच्छे अंदाज से मैं सबको भी गुजारिश क्या कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम में, ख्याल से सुनो, सोर्स ऑफ इनकम में 1 लाख रुपए बचे थे, एवरेज 1 लाख रुपए बचे तो 30,000 रुपए, 30% करो बोले तो 30,000 रुपए तुम्हें गौर गरीब के अखराजात को देना तुम, और तुम्हें गौर गरीब को अखराजात को देना और गौर गरीब आते करके बोल को इंतज़ार नहीं करना, उनको मालूमात कराना और वो 30% जो है
एनमार्क्ड एनमार्क्ड करके बोले तो उठा को हिफाजत से रख डालना, उन्होंने कभी भी आ सकती है को। वो पैसे को तुम्हें छीने का हक नहीं है कमेटी वाले। और बड़ी बात क्या करके बोले तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी वो गुजारिश को लेकर तुम्हें अब तक ऐलाना नहीं करे। दरमियान में गए साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनवीर सेठ साहब श्रीरंगपटन में इसके बारे में लेकर एक इशू भी बोले रहती क्योंकि तो मैं तुमने लोगों को ये जरा समझा था फ्रेंड्स। उन्होंने भी बोले रहती सर्कुलर पास हो को है लेकिन सीधा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अगर को बोल को बताते रहती। तो मैं उसे गुजारिश क्या कर रहा हूँ को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं चाह रहा हूँ इस बार जो है मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत चल रहा है, गौर गरीब बच्चों को पढ़ाने के वास्ते बहुत ढंड ला रही। गौर गरीब का माल करके बोल को मैं बोल रहा हूँ सो नहीं, ये उन्हीं का हक है, कमेटी वाले की जिम्मेदारी है। अब यहाँ मैं अब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्त वाले को मैं बता रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ सर्कुलर में साफ साफ तुम्हारे वास्ते डायरेक्शन है, साफ साफ डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? इट शुड बी एंश्योर्ड दैट एटलीस्ट 30% ऑफ देयर एनुअल इनकम इज एनमार्क्ड इन द बजट ऑफ द वक्त इंस्टीट्यूशन फॉर स्कॉलरशिप ऑफ द पुअर और the वक्त officer who fails to comply with this instruction will be dealt seriously in accordance with law। करबल को बता रहा ये किसकी जिम्मेदारी है? मैसूर सिटी वक्त बोर्ड वक्त ऑफिसर सख्त, तुम्हें जरा जिम्मेदारी से ये पूरे इंस्टीट्यूशन को जरा सख्ताई से हिदायत दियो, इन आज तक देखो नहीं कब किताब नहीं करे सो उनको, ये हिसाब किताब के ऊपर नहीं ध्यान दिए उनको, अकॉर्डिंग टू द लॉ कानून के हिसाब से इनको मुजरिम खड़ा करको, इनको सख्ताई से पनिशमेंट करो उनको बोलो। आज मैसूर सिटी वक्त बोर्ड वक्त ऑफिसर सख्त, तुम्हें जरा जिम्मेदारी से ये पूरे इंस्टीट्यूशंस को जरा सख्ताई से हिदायत दियो, इन आज तक देखो नहीं। कम से कम मेरी गुजारिश क्या है अगर बोला तो आज तुम्हें ये तो बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बहुत बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, मैं गरीब आकर को नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारी उम्मत हुआ, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को स्पेसिफिकली इनके वास्ते जत्ता इमदाद करको, जत्ता तो इनके हक में जत्ता जत्ता है, इन्हों पूरे हकदार इनको देने फरमाओ। एक मिसाल के तौर पर मस्जिद की कमेटी से मुझे एक स्टेटमेंट आता, उनकी बैंक में सालाना पूरे खर्चे जाको 1,08,00,000 रुपए है। एक मिसाल दे रूं सुमित तुमना, बैंक में कहते ही 1,08,00,000 रुपए ही, तो 30% के कितने हुए? 30,00,000 रुपए के ऊपर हो गए। अब ये 30,00,000 में तुम्हें हेल्थ इश्यू को कितने डिवाइड करते करो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के वास्ते तुम्हें बांटना जरूरी है। मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं, एक कमेटी का हिसाब बता रहा हूं उसमें तुम, दूसरे कमेटियां का मैं बाद में बता तो इंशाल्लाह की हो तो एडमिशंस का पीरियड खत्म हो गए, मैं यकीनन ये इशू के ऊपर काम को आता, ये इशूज को मैं पूछता हूं इंशाल्लाह, कौन कौन कहते थे देखो ही, कौन कौन क्या क्या करको ही, मैं सब इंशाल्लाह देखता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं ये गरीबों का माल, गरीबों का हक है, कमेटी एंड वक्त बोर्ड ये जिम्मेदारी पूरी करना है इंशाल्लाह। उसके साथ साथ मैं अब चंद हमारे एनआर क्षेत्र के मौली साहब को भी ले लगो मैं बता रहा इंशाल्लाह, क्योंकि तो तुम्हें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल था हर इलेक्शन में, मैं दोबारा अब तुमने भी गुजारिश करता हूँ, अब तुम्हारी जगह ऐसे ऐलानात करो जैसा कौम की सीट करको बोल को, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन एक मिसाल देता हूँ, जैसा तुम्हें कौम की सीट करको बोल को ऐलानात कराती मस्जिदों से, मस्जिद के मेंबर उनसे, गरीबों को तुम्हारे वास्ते ऐसा ऐसा है सहूलत है, यूं यूं करको लियो करको बोलको ऐलानात करो। मैं सामने चल को इंशाल्लाह आज मैं तुमने सबको भी गुजारिश कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं बहुत अच्छे रकम से, दूसरा तीसरा क्या आप भी बोले नहीं बगैर सबको मालूम करो, आवाम बहुत बेचैन चल रही है, ये माल गरीबों का, मैं आवाम का करको बोलको मालदारों को भी ले लग नहीं आ रहा हूं, यहां जरूरतमंदा का
मैं बार बार बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सामने खड़ो को ये लाना करो, मालूमात करो, कैसा जाना, कैसा करना, कैसा कौन कौन देना करो बोल को। अगर अब तीसरी बात, अगर तुम ना लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कैसा अप्रोच करना है कमेटियां को करके बोले तो मेरा नंबर लियो इंशाल्लाह, मेरा नंबर लियो, मेरा नंबर लेगो मुझे फोन करो उनको मेहरबानी से, ये तो मैं भी जिम्मेदारियां में रहता हूँ। लेकिन मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज डालो, मैं तुमना इंस्टेंट मतलब पीछे जरूरत के ऊपर मैं तुमना जवाब देता हूँ, कहाँ से कैसा क्या जाना क्या करना किसे जाको मिलना कर को। और मिलने के वास्ते देखो कौन भी जाको, एक आवाम से मेरी आवाम से बहुत आजीजाना गुजारिश, इनको जाको जुबानी बोलने को हम ना दियो कर को, इनको एक अर्जी लिख को दियो। मैं आवाम से गुजारिश क्या कर रहा हूँ, इनको एक अर्जी लिख को दियो, इन अर्जी का तुम ना जवाब देती या नहीं देते वो अल्लाह आलम, इन क्या खत्म करें दे, लेकिन उनको एक अर्जी पहुंचाओ, उसके बाद में इंशाल्लाह कैसा लेना उनके पास है मैं तुम ना खड़को, मैं सामने खड़को दिला को देता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन इनके हाथों को एक अर्जी पहुंचो, कमेटियों को मैं बता को देता हूँ तुम्हारे फलाने एरिया में, फलाने एरिया में फलानी कमेटी है, इनको जाको मिलो करको बोल है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम ना इन सभी खुल को ये बार नहीं आए तो उसके बाद मैं भी तुम ना लोगों को क्या भी नहीं कर सकता, तुम्हारे से मंजे यथाच तुम्हें सामने आको, इनको जाको एक अर्जियां दियो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के वास्ते पैसा दियो, हम डोनेशन डोनेट करो कर को, डोनेशंस नहीं डोनेट करो, स्कॉलरशिप्स के वास्ते दियो कर को बोल को, पूछो लिख को दियो एक अर्जी, एक अच्छे माहिर इंसान से एक अर्जी कैसा लिखाना बोल को लिखा को, मैं फलानी कमेटी में दियो कर को बोले रहता हूँ, वो कमेटी में ले जाको दियो, बच्चे थे इनशाला अल्लाह आलम। उसके बाद वहाँ से कमेटी में अर्जी दिए बाद एक वापस में उनका अक्नॉलेजमेंट भी लियो, ये तुम्हें कमेटी को अर्जी दिए कर को बोल को एक दाखला उनको जो देती है, एक वापस में एक दाखला मंग लो उनके पास से, तुम्हारे पास रखो, उन्होंने देती सो नहीं देते सो, वो बाद में स्कूल्स के पूरे एडमिशन्स ख़त्म होंगे उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह, उनका पूरा हिसाब किताब देखो की नहीं देते क्या नहीं देते पूरा देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन दिलेंगे ज़रूर, अल्लाह से उम्मीद रखो खैर के होता कम, लेकिन तुम्हें लोग बाहर निकलना, मेरी गुजारिश का कर दो, ये BPL कार्ड होल्डर्स लह के लिए बाहर निकल को कमेटियों को जाओ, उसके बाद मेरा नंबर लेको व्हाट्सअप करो मुझे, फ़ोन ऑन करने से व्हाट्सअप करो इंशाल्लाह, मैं इतनी मेरी बात बोल को मैं इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म करूँ।